करण और प्रीतम, यहाँ तो सपने आपने भी मिलकर देखे होंगे, लेकिन आप तो रह ही नहीं पाते एक दूसरे के साथ, क्योंकि कहानी में आ जाती हैं ढेर सारी सिचुएशंस जो कर देती हैं आप दोनों के बीच पैदा गलतफहमियाँ। लेकिन ये गलतफहमियाँ आप दोनों को ही मिलकर दूर करनी होगी। क्यों? करण और नताशा की सगाई। सगाई में पुलिस आई, प्रीता ने नताशा पर उंगली उठाई। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में जश्न है करण और नताशा की एंगेजमेंट का, जहां नाच गाने के बाद करण नताशा की सगाई की रस्म निभाई जा रही है। पूरा परिवार खुश है, लेकिन करण कश्मकश में है कि तभी करीना बुआ सगाई की अंगूठी लेकर आती है, और इसी कश्मकश में करण के हाथों से वो अंगूठी गिर जाती है। बस फिर क्या, प्रीता को टशन दिखाते हुए करण अंगूठी उठाने को कहते हैं और प्रीता वो अंगूठी उठाकर दे भी देती है, लेकिन वो भी करण को अपना टशन दिखाना नहीं छोड़ती। ये सब ड्रामे के बाद सगाई की रस्म शुरू होने ही वाली होती है कि कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि लूथरा परिवार के इस जश्न में पुलिस आ जाती है जो नताशा को तलाश रही है, और प्रीता ने तो नताशा का नाम सुनते ही अपनी सौतन पर उंगली उठा दी और नताशा को गिरफ्तार करवा दिया। तुमने कुछ किया होगा तभी तुम्हें पकड़ने आए। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इस देश के कानून और पुलिस पे पूरा भरोसा है। मतलब इसने कोई ना कोई बड़ा गुनाह किया होगा इसलिए तो पुलिस आई है, वरना पुलिस के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि आके सबको अरेस्ट करते रहे। ऐसे कैसे निकल। खैर, नताशा पर तो एक्सीडेंट का इल्जाम लगा है और अब तो नताशा बिना बेल के जेल में रहेगी, लेकिन करण और नताशा की सगाई पर ब्रेक लगने से प्रीता को बहुत खुशी हुई है। अरे प्रीता, इतना खुश मत होइए, क्योंकि कोई ना कोई चाल चलकर नताशा जेल के बाहर जल्द ही आएगी और करण को अपना बनाएगी, इसीलिए आप भी अपनी तैयारी कर ही लीजिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।